नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अक्सर सेक्स रैकेट से जुड़ी खबरें सुर्खियां बनती हैं। इन वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधी इतने शातिर होते हैं कि लोगों को अपने कारनामों की भनक तक नहीं लगने देते। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी को सात समुंदर पार से भी ढूंढ निकालते हैं। दरअसल एक मामला सामने आया है जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं जिन्हें जानकर आप भी सकते में पड़ जाएंगे। बता दें कि श्रीनगर में एक आदमी रहता है जिसका नाम नियाज अहमद मीर बताया जा रहा है। दरअसल सीबीआई ने नियाज अहमद मीर को एफबीआई से मिली सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। सूचना यह है कि वो अमेरिका के बच्चों के यौन शोषण वाले वीडियो के जरिए भारत में बैठे बैठे सेक्स रैकेट चलाता था। नियाज अहमद मीर के लिए यह बहुत आसान काम था। वो बिना अमेरिका गए इस काम को बड़े लंबे समय से अंजाम दे रहा था और इस काम में उसका साथ उसकी बीवी, जो कि अमेरिका के वॉशिंगटन में रहती है और उसका नाम बताया जा रहा है तमारा स्टैनली। तो वहीं एफबीआई से मिली जानकारी के मुताबिक नियाज और स्टैनली के बीच का रिश्ता शौहर और बीवी से बढ़कर एक मालिक और गुलाम का था। इसी के साथ बता दें कि नियाज की बीवी तमारा स्टैनली ने बड़े ही शातिर ढंग से कई सारे अमेरिकी बच्चों को फंसाया, उन सभी का यौन शोषण का वीडियो बनाया और उन वीडियोस को फिर अपने शौहर नियाज अहमद मीर के पास भेज दिया। फिर वो भारत में बैठे बैठे इन वीडियो और फोटो को डार्क वेबसाइट पर अपलोड करता था और साथ ही इस घिनौने अपराध से बेशुमार पैसा कमाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, नियाज अहमद इनमें से कई बच्चों के साथ डायरेक्ट संपर्क में रहता था। इसके पीछे की वजह यह बताई गई है कि इनमें से कोई बच्चा अगर उसका कहा नहीं मानता था तो वो उस बच्चे के सेक्स वीडियो या फोटो को उसके माता पिता को देकर उनसे पैसे वसूलता था। हालांकि इस घिनौने अपराध के आरोप में तमारा स्टैनली को 25 जून को एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप लगाया गया था कि वो बच्चों की पोर्नोग्राफी किया करती थी। जांच में इस मामले में एफबीआई को जो जानकारी मिली उसने तमारा के शौहर को पकड़ने के लिए सीबीआई के साथ शेयर की। इस आधार पर सीबीआई ने मंगलवार 22 दिसंबर को जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से नियाज अहमद मीर के घर पर छापा मारा, जहां से उन्हें 3 लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन, पेन ड्राइव और हाथ से लिखे हुए कुछ नोट्स बरामद हुए। अब देखना होगा कि प्रशासन अपराधियों पर किस तरह का कार्रवाई करती है और उन बच्चों को किस तरह से न्याय दिलाती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। धन्यवाद।